स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल फ्यू सर्च में। और जैसे आज हमारे पास एक टॉपिक है सहिष्णुता। सहिष्णुता एक समाज में पाया जाने वाला या एक व्यक्ति के व्यक्ति या एक व्यक्ति के या समाज में या हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की इंडिविजुअल क्या होती है, हैबिट्स कह सकते हैं इसको, या आपका एक वैल्यू है, ये भी एक प्रकार की क्या है, आपका मूल्य है सहिष्णुता। तो सहिष्णुता का जो बेसिक मीनिंग होता है वो सहनशीलता से होता है। सहनशीलता मतलब टॉलरेंस, ठीक है। तो टॉलरेंस को अगर जो हम नॉर्मल देखते हैं कि सहिष्णुता क्या होती है या सहनशीलता क्या होती है, तो इसको आप दो अर्थों में समझ सकते हैं, ठीक है। एक तो संकीर्ण अर्थ और एक आपका व्यापक अर्थ। बेसिकली जो सहिष्णुता क्या होती है, आपकी सहन करने की क्षमता या सहनशीलता या सहन करने की क्षमता को आप क्या बोलते हैं, सहिष्णुता बोलते हैं। अब सहिष्णुता जैसे संकीर्ण अर्थ में देखें, जैसे हम किसी चीज का विरोध करते हैं या शत्रु का विरोध करते हैं, ठीक है, तो कई बार व्यक्ति सहिष्णु हो पाता है और कई बार सहिष्णु नहीं हो पाता। हो सकता है वो अपने शत्रु का विरोध करता हो और किसी का विरोध ना करता हो, ठीक है। कई बार वो किसी अन्य व्यक्ति का विरोध करता हो, अपना विरोध नहीं कर, अपने किसी अपने का विरोध नहीं करता हो, तो वहां पर वो सहिष्णु नहीं है। जब वो सभी व्यक्तियों का क्या करेगा, बराबर सम्मान करेगा, तो वो सहिष्णु है, अन्यथा वो सहिष्णु नहीं है। उसके बाद में आपका वो अन्य व्यक्ति से भी क्या हो सकती है, आपकी कोई भी हिंसा या किसी भी प्रकार का विरोध या किसी भी प्रकार की हिंसा न होना आपका क्या होता है, सहिष्णुता होती है। कई बार वो कृतक हिंसा न होना, कृतक हिंसा का मतलब होता है कि कोई भी कार्य अचानक से ऐसा हुआ हो कि सपोज दैट एक व्यक्ति खड़ा था और दूसरा व्यक्ति जैसे ही घुमा पीछे को, वो कुछ चीज ले रहा था और जैसे ही वो घुमा तो उसका जो हाथ था किसी दूसरे व्यक्ति के पर क्या हो गया, लग गया, जबकि कमी उसकी भी नहीं है। तो दूसरे व्यक्ति को, या कई बार महात्मा गांधी जी का बोध दिया जाता है, महात्मा गांधी जी के अंदर ये गुण पाया जाता है सहिष्णुता का, महात्मा बुद्ध के अंदर गुण पाया जाता है, वो अपने दुश्मनों को भी प्रेम करने की क्षमता रखते हैं या उनका भी सम्मान करते हैं। तो ये हमारी क्या बेसिकली सहिष्णुता है। अब तो उस समय पर हमें कोई भी कृतक हिंसा न करना, यानी कि उस समय की जो कार्य है, जब किसी से मतलब हमसे धोखे से टक्कर लग गई हो, हाथ लग गया हो, किसी प्रकार की क्रिया हो सकती है, तो उसका विरोध न करना आपका क्या है, कृतक हिंसा न होना क्या होता है, आपका सहिष्णुता होता है। अब यह व्यक्तिगत विरोध, किसी का व्यक्तिगत विरोध हो तो हमें वो नहीं करना चाहिए, किसी से भी हमें व्यक्तिगत विरोध भी नहीं करना चाहिए। अगर जो हम ऐसा कर पा रहे हैं कि हम किसी से भी कोई विरोध नहीं कर रहे हैं किसी की गलती होने के बाद भी, तो वो हमारे अंदर क्या है कि सहिष्णुता का गुण है। कई बार नस्लों के बीच में, जाति पार्टी के बीच में क्या होता है, आपकी सहनशीलता नहीं होती है, लेकिन कई बार क्या होती है, हो जाती है। कई बार दो जातियों के लोग भी, या दो कास्ट के लोग, दो नस्ल के लोग, दो उसके साथ में क्या करते हैं, रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, या आपकी क्या है, सहिष्णुता है। लेकिन अगर जो इसके हम व्यापक अर्थ में देखें, व्यापक अर्थ का मतलब, संकीर्ण अर्थ का मतलब हो गया कुछ, यानी कि एक छोटी भावनाओं के तौर पर, एक छोटे से मोमेंट पर जो होता है वो संकीर्ण अर्थ में सहिष्णुता है। लेकिन अगर जो व्यापक अर्थ का मतलब है, जब किसी व्यक्ति के पूरे जीवन भर वो गुण बना रहे, सहनशीलता का गुण बना रहे, तो वो आपका क्या है, एक सहिष्णु व्यक्ति है। जैसे महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी, दोनों का एग्जाम्पल दिया जाता है वो इसी वजह से, क्योंकि वे अपने दुश्मनों को भी प्रेम करने की क्षमता उनके अंदर है। गांधी जी एक श्लोक भी, मतलब एक वाक्य भी प्रस्तुत करते हैं, अहिंसा परमो धर्मा, यानी कि अहिंसा ही क्या है, मनुष्य का परम धर्म है। यानी कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए कभी भी, उस चीज का विरोध आप कर सकते हैं, लेकिन आप इस प्रकार से उस बात का विरोध ना करें
सामने वाले को या हमारी वजह से किसी तीसरे व्यक्ति को क्या हो, नुकसान हो, तो ये आपका सहिष्णुता का गुण नहीं हो सकता, ये आपकी सहनशीलता नहीं है। या हमें किसी अपने दुश्मन का भी सम्मान करना, प्रेम करना उसको, ये आपका क्या है एक व्यापक अर्थ में, तो ये जो गुण था ये हमारा गुण बेसिकली किस में पाया जाता था, महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध में ये गुण बहुत मतलब पूरे जीवन भर पाए गए, तो ये क्या है एक व्यापक अर्थ है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जैसे महात्मा गांधी की अगर जो हम बात करें तो जैसे असहयोग आंदोलन उन्होंने दिया था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन कई बार बहुत अच्छा भी होता है, वो असहयोग आंदोलन उसमें आप किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, कोई भी आपका वायलेंस नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा टॉलरेंस होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर आप चीज़ों का विरोध भी कर सकते हैं और आपको क्या होगा, अभी सपोज दैट जरूरी थोड़ी आप आंदोलन करें और इस प्रकार का आंदोलन करें कि जनता को क्षति पहुंचे। अभी पीछे जब अभी हम एक एग्जांपल देता हूं मैं, अभी जो अग्निवीर वाली जो वो थी भर्ती थी उसका विरोध किया लोगों ने बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर तो उसके फार्मों की वैकेंसी आप देखें तो जो लोग विरोध कर रहे थे उनके भी फार्म उसमें डले हुए हैं, तो आप तभी क्यों विरोध कर रहे थे, आपको विरोध करना था तो असहयोग आंदोलन के द्वारा करते, महात्मा गांधी से कुछ सीखा होता आपने, तो आप क्या करते वहां पर, अगर जो कोई भी व्यक्ति फार्म ही नहीं भरता अग्निवीर में तो वो भर्ती क्या हो जाती, फ्लॉप हो जाती, ना आपको कोई हिंसा करनी थी और ना ही कोई ऐसा आंदोलन करना था, ना सड़कों को उतरना था, ना जनता की क्षति होती, ना आपकी क्षति होती, ना आपके समय की क्षति होती, आप उसको सहयोग ही नहीं करते, तो वो आपका क्या हो जाता है असहयोग आंदोलन के द्वारा भी कई बार हम चीजों को क्या कर सकते हैं बहुत शांति के साथ में निपटा सकते हैं। तो ये हमारा क्या है एक सहिष्णुता का गुण है जो व्यक्ति के अंदर होना भी चाहिए। कई बार उससे कई बार सहिष्णुता के गुण से क्या होता है कई बार नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन हर परिस्थिति में नुकसानदायक नहीं हो सकता, अधिकतम परिस्थितियों में नुकसानदायक नहीं होता, कुछ क्रिटिकल स्थिति ऐसी होती है जहां आपका भी कर्तव्य बनता है कि आपको हिंसा भी करनी पड़ती है तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है स्थिति का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कई बार बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि उठता वही है जिसमें झुकने की क्षमता हो। ठीक है, जिसमें झुकने की क्षमता नहीं है वो पौधे या वो पेड़ जिनमें लचक होती है वही क्या होते हैं तूफान या आंधी आने पर रुके रहते हैं, जिनमें झुकने की क्षमता नहीं है उनके अंदर लचीलापन नहीं है तो वो पेड़ अधिक समय तक नहीं टिकते, किसी भी आंधी या तूफान में वो टूट ही जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे अंदर सहिष्णुता का गुण होना बहुत आवश्यक है और ये एक मॉरल वैल्यूज में भी काउंट किया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हूँ। धन्यवाद।